हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अभी राजगीर के तरफ से बिहार शरीफ के तरफ जा रहा हूं, जो बिहार शरीफ का जो मेन टाउन है मैं वहां के तरफ जा रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि ये बख्तियारपुर रजौली जो फोर लेन बन रहा है, ये उसका पिलर है। यहां पर ये राजगीर मोड़ से जो बिहार शरीफ, जहाँ पे बिहार शरीफ मोड़ है, जहाँ पेट्रोल पम्प है, वहाँ तक आपको ये एलिवेटेड रोड ही आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि इसका पिलर बन के रेडी है, और इसका ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाटर वगैरह सब रखी हुई है। ये आपको पिलर बन के इसका रेडी है, इसके ऊपर गाटर रखी जाएगी और उसके ऊपर फिर उसके बाद ये इसके आगे का प्रोसेस होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आपको पूरा एकदम इसका काम लगा हुआ है। पूरा इसका काम बख्तियारपुर रजौली का जो फोर लेन का काम है, ये पूरा यहाँ पे लगा हुआ। ये आपको बिहार शरीफ के तरफ का एरिया है, जो कि आगे बिहार शरीफ टाउन और बिहार शरीफ पेट्रोल पंप की तरफ चल जाएगी। और आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पिलर के ऊपर इसका स्ट्रक्चर बनाकर बना दिया गया है, पिलर के ऊपर का, जो कि इसका गाटर, इसको गाटर लॉन्च करके इसके ऊपर ये स्लैब बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम लगा हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्कर लोग भी लगे हुए हैं और किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हमेशा जो जाम का समस्या रहता था, जहाँ पे बिहार शरीफ बस स्टैंड है, जहाँ पेट्रोल पंप के पास, जो कि एक चौराहा है, जो कि एक तरफ बिहार शरीफ टाउन की तरफ चल जाता है, दूसरे तरफ इस्लामपुर, काको, जहानाबाद की तरफ चला जाता है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमेशा जाम लगा हुआ रहता था, जिसके ये एलिवेटेड ब्रिज बन जाने से बहुत ही जो आने जाने में बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलियत होगी। जिसको नवादा जाना होगा, वो नीचे नहीं उतरेंगे, जिसको नवादा जाना होगा, वो इस ब्रिज का इस्तेमाल करके डायरेक्ट ये नवादा की तरफ जा सकते हैं। और जिसको राजगीर वगैरह जाना है, वो भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करके राजगीर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रिज को बन जाने से बहुत ही इसको सहूलियत और बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पिलर के ऊपर काम हो रही है। इसका काम बख्तियारपुर रजौली का, बख्तियारपुर से लेकर के रजौली तक जितने भी हैं, आप देख सकते हैं कि हर जगह इसका काम लगा हुआ। मैं आपको बख्तियारपुर की तरफ, हरनौत की तरफ भी जाके दिखाऊंगा दोस्तों आने वाली वीडियो में, कि वहाँ भी बहुत जगह, जितने भी जगह है पूरे ये हाईवे पे ना, फोर लेन पे हर जगह बहुत तेजी से काम लगा हुआ है। मैं आपको हरनौत की तरफ भी जाके दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको दिखाता हूँ वहाँ पे पेट्रोल पंप के पास जा करके, वहाँ पे किस तरह से काम लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका बैरिएटर इसको घेर दिया गया है, ताकि ये पुल के नीचे अगर कोई काम हो रहा है तो किसी तरह का दुर्घटना ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेगमेंट लॉन्च हो चुका है, वर्कर लोग उसके ब्रिज के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमेशा जाम लगी हुई रहती थी, हमेशा गाड़ियों की लंबी कतार रहती थी, जाकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी यहाँ पे जाम मिल जाने से। दोस्तों आप देख सकते हैं बाएं तरफ जो रास्ता है, ये इस्लामपुर, जहानाबाद, काको वगैरह की तरफ चला जाता है, और जो दाहिने तरफ है ये बिहार शरीफ टाउन की तरफ चला जाता है। दोस्तों, ये रास्ता बिहार शरीफ टाउन की तरफ चला जाता है और ये इस्लामपुर की तरफ चला जाता है, और सीधे जो है वो बख्तियारपुर की तरफ चला जाएगा, जो कि आगे एक सर्विस लेन मिलेगी। जो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एलिवेटेड रोड है, उस पर जाने के लिए यहाँ पर उसको उस एलिवेटेड रोड पे चढ़ने के लिए ये बनाई जा रही है। यहाँ पर इसको आगे में डाउन है इसका, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिज है, ब्रिज पे किस तरह से काम लगा हुआ है। जो रोड पर ये सर्विस लेन है दोस्तों, उसके बगल की, और वो फोर लेन हो जाएगी। ये दूसरे तरफ जो ऊपर की तरफ जा रही है, आगे भी एलिवेटेड रोड बन रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेन किस तरह से काम कर रही है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि मेरे दाहिने तरफ जो है पहाड़, जो कि बिहार शरीफ का जो फेमस पहाड़, जो कि हाईवे से नजर आता है, वो हमारे बाएं तरफ है। और यहाँ पे इतनी काम के वजह से इतनी डस्ट हो रही है कि दोस्तों, कि आप
कहना मुश्किल है कि कितनी हमको परेशानी हो रही है चलाने में। और यहाँ पर एक अंडरपास बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक अंडरपास बन रहा है और उसके आगे जो बिहार शरीफ की तरफ टर्न यू टर्न के लिए, और उसके आगे जो है बन रहा है। इसका रोड का काम ऑलमोस्ट एकदम कंप्लीट, मतलब कि बहुत तेजी से हर तरफ लगाओ, जो कि हरनौत के पास भी है कि तरफ भी बहुत, मतलब बख्तियारपुर से जो हरनौत की तरफ आ रही है यहाँ से, तो वहाँ भी बहुत बहुत सारी जगह पे काम लगी हुई है, क्योंकि तो पूरे रोड पर इसका एकदम एलिवेटेड की तरह रोड बनाया हुआ है। एलिवेटेड रोड बहुत जगह एलिवेटेड बन रहा है, बहुत जगह ब्रिज वगैरह बन रहा है, बहुत जगह सर्विस लेन बन रही है। देख सकते हैं, आपने देखा था कि वो पहाड़ है, ये बिहार शरीफ का जो फेमस जो पहाड़ है जो कि हाईवे से नजर आता है दोस्तों। और ये दोस्तों नई, इसको सीमेंटेड रोड कंक्रीट वाली नई बनाई गई है मोटी करके, जो कि जल्दी ख़राब नहीं होगी दोस्तों। इसका काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और मैं दोस्तों एक दनियामा मोड़ है, मैं वहां तक आपको लेके चलता हूं, वहां पे आपको दिखाता हूं। वहां दनियामा मोड़ के पास जो कि पटना दनियामा की तरफ टर्न हो जाती है ये हाईवे, ये तो सीधा बख्तियारपुर की तरफ चल जाएगी, लेकिन एक टर्न है जो कि बाएं साइड में जो कि दनियामा होते हुए वो पटना की तरफ जाती है, मैं वहाँ पर आपको मिलता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एक पहाड़ जो है कि वो बिहार शरीफ का फेमस पहाड़ नज़र आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये काम दोनों तरफ ब्रिज बना हुआ है। रोड अभी पुरानी है, टूटी हुई, इसको भी रिपेयर कर ली जाएगी दोस्तों। और अभी बनाने में जो थोड़ी बहुत तो दिक्कत परेशानी होती है जब बनती है रोड, तो जब बन जाने के बाद पब्लिक को बहुत ही सहूलियत मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अंडरपास के लिए ये बनाई जा रही है फ्लाईओवर, जो कि आगे एक जो दनियामा मोड़ मैंने बताया था कि दनियामा मोड़ की तरफ चली जाएगी, वो आगे आपको मिलेगी दोस्तों। उसके लिए ये यहाँ पर एक चढ़ने के लिए अंडरपास जो बन रही है वहाँ पर, उसके लिए ये बनाई गई है। और मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा जो पटना की तरफ दनियामा की तरफ चली जाएगी, जो दनियामा होते हुए पटना जाती है, ये तो सीधे बख्तियारपुर होते हुए जाएगी, जहाँ बख्तियारपुर की तरफ से फिर पटना या मोकामा की तरफ आप जा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूल वगैरह जो बहुत ज़्यादा उड़ती है, जब सड़क का काम लगता है, जब इस तरह की रोडें बनती है, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह होती है, जो कि अभी तो फिलहाल पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जब ये बन के कम्प्लीट हो जाएगी तो यही पब्लिक को बहुत ही सहूलियत होगी कहीं भी आने जाने के लिए। और आप देख सकते हैं यही वो टर्निंग है जो कि मेरे बाएँ तरफ है, जो सीधा पटना दनियामा की तरफ चली जाएगी दोस्तों। और ये मैं सीधा बख्तियारपुर की तरफ जा रहा हूँ, और ये वही अंडरपास था आपने जो देखा था। ये ऑलमोस्ट बख्तियारपुर से रजौली तक पूरे रोड पर ये फोर लेन का काम हर जगह लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह किस तरह से काम लगी हुई है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि मेरे वीडियो आगे हरनौत की तरफ की होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।